नमस्कार, मैं नदीम अहमद, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। बिहार को झकझोर देने वाली मुजफ्फरपुर शेल्टर होम की घटने में इंसाफ का वक्त आ गया है। कैसे सत्ता के रसूखदारों ने मिलकर सरकार के नाक के नीचे इतना घिनौना काम को अंजाम दिया। पूरे देश में बिहार की बदनामी हुई, जिसके बाद सरकार ने जांच सीबीआई को सौंप दिया। पिछले साल मई में मुजफ्फरपुर स्थित बालिका गृह में कई बच्चों से दुष्कर्म व यौन उत्पीड़न का मामला सामने आया था। सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर 23 फरवरी से मामले की साकेत कोर्ट में नियमित सुनवाई चल रही है। दिल्ली के साकेत स्थित सौरभ कुलश्रेष्ठ की विशेष पॉस्को कोर्ट सोमवार को फैसला सुना सकती है। इससे पहले कोर्ट ने 3 बार फैसले की तारीख मुकर्रर की थी। पहली बार 14 नवंबर को दिल्ली में वकीलों की हड़ताल, 12 दिसंबर को न्यायाधीशों के अवकाश और 14 जनवरी को ब्रिजेश ठाकुर की ओर से नई अर्जी दाखिल करने और आरोपियों की ओर से 50,000 रुपये का बंद पत्र विशेष कोर्ट में दाखिल करने के कारण फैसला टाल दिया गया था। अब चौथी बार इस मामले के फैसले की तारीख मुकर्रर हुई है। हालांकि इस मामले में 18 जनवरी को कोर्ट ने उसकी अर्जी को खारिज कर दिया था। ब्रिजेश ठाकुर बाल संरक्षण इकाई और तत्कालीन सहायक निदेशक रोजी रानी, तत्कालीन बाल संरक्षण पदाधिकारी रवि रोशन, बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष रहे दिलीप वर्मा, सदस्य विकास कुमार, बालिका गृह की कर्मचारी इंदु कुमारी, मीनू देवी, मंजू देवी, चंदा देवी, नेहा कुमारी, हेमा मसीह, किरण कुमारी, विजय कुमार तिवारी, गुड्डू कुमार पटेल, किशन राम, ऐसे सैकड़ों नाम हैं, बहुत सारे नाम हैं जिन्होंने इस घटना को अंजाम देने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। आइए देखिए इस रिपोर्ट में। बिहार के मुजफ्फरपुर के बहुचर्चित शेल्टर होम घटना में सोमवार को दिल्ली के साकेत स्थित विशेष कोर्ट गुनाहगारों के खिलाफ फैसला सुना सकती है। बता दें कि सोमवार को ये फैसले की चौथी तारीख है। इससे पहले 3 तारीख अलग अलग वजहों से भी टाल दिया गया था। न्यायाधीश सौरभ कुलश्रेष्ठ की अदालत की ओर सबकी टकटकी निगाहें लगी है। इस मामले में सीबीआई ने 21 आरोपियों के खिलाफ अदालत में पहले ही आरोप पत्र दाखिल कर चुके हैं। मुख्य आरोपी ब्रिजेश ठाकुर, साइस्ता परवीन उर्फ मधु समेत 20 आरोपी जेल में हैं। आरोप पत्र में आरोपियों पर बलात्कार, आपराधिक साजिश, बाल यौन शोषण रोकथाम अधिनियम की धारा 6 के तहत आरोप लगाए गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार आरोप साबित होने पर आरोपियों को कम से कम 10 साल की कैद और अधिकतम उम्र कैद तक की सजा का प्रावधान है। आपको बता दें कि मुजफ्फरपुर की शेल्टर होम की इस घटना ने पूरे देश को झकझोर के रख दिया था। कैसे सरकारी बाबुओं के नाक के नीचे से कुछ सत्ता के शह पर प्राप्त किए लोगों ने छात्रों के साथ घिनौनी घटना का अंजाम दिया था, जिसके बाद से नीतीश सरकार पर लगातार सड़क से लेकर के सदन तक निशाने पर आ गए थे, जिसके बाद से इस पूरे मामले को सीबीआई को देनी पड़ी। सीबीआई ने इस मामले पर 25 लोगों के खिलाफ आरोप तय किया है। आज वो दिन है जिस पर यह फैसला आने वाला है। फैसला आने के बाद से भले उन लड़कियों की जिंदगी में कुछ बदलाव ना दिखे, लेकिन आने वाले वक्त में अगर कोई भी सत्तासीन बाबू इस तरीके की हरकत करता है तो उसकी रूह कांप जाएगी। ऐसी सजा मिलनी चाहिए। तमाम लाग लपेटों के बावजूद इसका असर नीतीश कुमार के मंत्री परिषद तक चला गया था। उनकी मंत्री मंजू वर्मा पर के पति पर भी आरोप सिद्ध होने के बाद से उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था, जिसके बाद से नीतीश कुमार विपक्ष के निशाने पर आ गए थे। फिलहाल इस पूरे मामले की जांच चल रही, जांच के बाद से आज सजा होने की उम्मीद है। नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया के लिए नदीम अहमद की रिपोर्ट, दिल्ली। तो देखा आपने इस रिपोर्ट में किस तरीके से घिनौने अपराध को अगर सरकारी कर्मचारी ही मिलकर अंजाम देने लगे तो आने वाले वक्त में न्याय और पक्षपात की अगर हम बात करें तो कैसे ये खत्म होगी। इस तरीके की घटना को अंजाम सरकारी कर्मचारियों ने नौकरशाहों के बलबूते पर किया है। इस तरीके की घटना आगे न हो, इस पर भी बेहद ध्यान देने की ज़रूरत है। वैसे कानून बनाने की ज़रूरत है कि सरकारी बाबू भी इस तरीके का के घटना को अंजाम देने से पहले 100 बार सोचे। फिलहाल न्याय मिलने का वक्त आ गया है, लेकिन जरा सोचिए उनकी ज़िंदगी के का क्या होगा,
और उनके साथ कैसा व्यवहार आने वाले वक्त में होगा जो इस घटना में शामिल थे। आने वाले वक्त में हम सभी को चाहिए कि इस तरीके की घटनाओं पर बहिष्कार करें और इस तरीके की घटना को अंजाम देने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करें। देखते रहिए आप नेक्स्ट नाइन भोजपुरिया। नमस्कार। नेक्स्ट नाइन न्यूज भोजपुरिया के सब्सक्राइब करें और लेटेस्ट अपडेट खातिर बेल के आइकन वाला बटन दबाएं।